जिले के पर्यटन स्थल घूमने आए इंदौर के छात्र छात्राओं की खुशी उस वक्त काफूर हो गई जब उनकी स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के जाम गेट के समीप यह हादसा हुआ। बस पलटने से करीब 25 विद्यार्थी घायल हुए हैं। इनमें दो बच्चों को गंभीर चोटें लगने की जानकारी मिली है। सभी घायलों को महू के अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना मिलने पर मंडलेश्वर पुलिस सहित SDOP मौके पर पहुंच गए हैं। मिली जानकारी अनुसार इंदौर के एक निजी स्कूल के विद्यार्थी रविवार को पर्यटन स्थल जामगेट पहुंचे थे। इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। बस पलटने के बाद पर्यटन स्थल पर घूमने की खुशियां चीख पुकार में तब्दील हो गई। बस में हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के विद्यार्थी सवार थे। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। न्यू आदर्श स्कूल की बस से आज बच्चे संडे के दिन टूर पर ले जा रहे थे स्कूल की तरफ से। यहाँ जामगढ़ के नीचे घाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बच्चे कुछ घायल हुए हैं, 7 बच्चे जिनको अभी गेटवेल हॉस्पिटल में महू में इलाज करा रहे हैं और जो गंभीर घायल हैं उनको हम इंदौर शिफ्ट करा रहे हैं। सर, बस में कितने बच्चे सवार थे इसकी जानकारी निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि पहले घायलों को इलाज कराना प्राइमरी एरिया से, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है सर? विनोद राठौर, SDM महू। ये न्यू आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के बच्चे थे, 9th से 12th तक के बच्चे थे जिनका बहिष्कार किया। आज ही सुबह 11:30 के आसपास करीब जाम गेट से नीचे उतर रही थी बस, तभी जो है बस पलट गई। बस पलटने से इस बस में बैठे जो बच्चे थे उनमें से 4 बच्चों को गंभीर चोटें आई है, जो तत्काल उपचार के लिए आसपास के निवासी और स्कूल का जो प्रबंधन था वो तत्काल इंदौर अस्पताल के रवाना हो गए। सर, सुनने में कुछ दो बच्चों को गंभीर चोटें, किस प्रकार चोटें उनको? उनको चोटें सिर में लगी है, एक बच्चे के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट है और बाकी आंशिक रूप से 10-12 बच्चे घायल हैं जो उपचार के लिए यहाँ से इंदौर रवाना हो गए। मनोहर गौरी, ये उसके संबंध में पता चला कि यहाँ पर आप लोग उपस्थित थे, किस प्रकार की घटना हुई है, क्या क्या हुआ है? ये गाड़ी हमारे सामने ही आई थी, तो जैसे महेश्वर के लिए जा रहे थे, जैसे हमको पता चला अचानक कि यार गाड़ी पलटी खा गई, एक बाइक वाले ने बताया। जैसे ही हमारे जाम गेट के हम सभी कर्मचारी तत्काल यहाँ पे आए और मौके पे बच्चों को निकालना चालू कर दिया गया। बस में कितने बच्चे सवार थे? करीब 30-40 बच्चे करीब थे। कितने बच्चों को चोट आई है? 20-25 बच्चों को चोट आई है, जिसमें किसी के सिर में, किसी के पैर में और एक बच्चे का हाथ यहाँ से थोड़ा अलग हो गया है। तो इन बच्चों को गया, इनको नेटवर्क नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण एम्बुलेंस वगैरह और स्टाफ को भी लगाया था पुलिस थाने पे, तो नेटवर्क की इशू आती है, तो इसके बाद में सब स्टाफ के आ चुके थे। क्या नाम लिखते हो? मेरा नाम जितेंद्र बारिया, जाम गेट पे सुरक्षा कर्मी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।